लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 93 संसदीय क्षेत्रों पर जारी है मतदान। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बारामती में शरद पवार ने डाला अपना वोट। सभी नेताओं ने लोगों से की घर से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील। तीसरे चरण के तहत आज असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 और पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ किया मतदान। हॉट सीटों में शामिल गुजरात की गांधीनगर और महाराष्ट्र की बारामती सीट पर भी जारी है वोटिंग। उत्तर प्रदेश में मुलायम परिवार की किस्मत आज ईवीएम में होगी कैद। मध्य प्रदेश की गुना और विदिशा सीट पर भी मतदान, जहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की किस्मत होगी ईवीएम में कैद। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में जमकर हुआ बवाल। मुर्शिदाबाद और जंगीपुर में बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में हुई भिड़ंत। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने किया बचाव। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जारी है सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। सोमवार की सुबह दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर बासित अहमद डार को घेरा।